भारत देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं और जो हिंदू मुसलमान ईसाई आदि नहीं हैं, हम लोग उनके लिए सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता की मांग कर रहे हैं और इसके लिए देश विदेश से लाखों आदिवासी जो अपने को प्रकृति पूजक मानते हैं, मूर्ति पूजक नहीं मानते हैं, वो लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे। वहाँ से हम लोग भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के दो बड़े नेता माननीय राहुल गांधी और माननीय सोनिया गांधी को ललकारेंगे कि भारत देश में धार्मिक मान्यता का मामला संविधान का मौलिक अधिकार है। तो 2011 की जनगणना में जब भारत के आदिवासी प्रकृति पूजक 50 लाख की संख्या में अपना नाम दर्ज कराया सरना धर्म के साथ और जैन धर्म वाले दर्ज कराए केवल 44 लाख, तो हम जैन से भी ज्यादा हैं। जैन को मान्यता दी गई है तो हमें क्यों नहीं दी जाती है, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। और इस मामले पर हम लोग कांग्रेस और भाजपा दोनों को दोषी मानते हैं क्योंकि 1951 की जनगणना तक आदिवासियों का अलग धर्म कोलम था जिसको बाद में कांग्रेस ने हटा दिया। आप बीजेपी और संघ वाले जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा लगाना चाहते हैं, तो ये हम आदिवासियों के साथ बड़ा धार्मिक शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है और मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। तो 8 नवंबर को हम लोग रांची से सभी बड़े दल बड़े नेताओं का आह्वान करेंगे, ललकारेंगे और यदि तब भी इन लोग इसकी घोषणा नहीं करेंगे 1 महीने के भीतर, 8 दिसंबर को हम लोग भारत बंद के लिए मजबूर होंगे और रेल रोड चक्का जाम करेंगे। दूसरी बात हमारा ये कहना है, ये जो बोकारो जिला में ही लुगु बुरु ललपनिया में है जो आदिवासियों का पवित्र धार्मिक स्थल है, गिरिडीह जिला में मारंगुरु है वो भी पवित्र धार्मिक स्थल है, बगल में पड़ोस के पुरुलिया जिला बंगाल में अयोध्या गुरु, तो यहाँ पर लुगुबुरु और मरंगुरु को बेचने का काम, हिंदूकरण करने का काम, इसको यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाने का काम और हाइडल प्रोजेक्ट आदि बनाने का काम के लिए सीधे सीधे सोरेन खानदान, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी दोषी है। लेकिन जनता को ठगने के लिए जेएमएम पार्टी के ही नेता लोग सामाजिक संगठन के नाम से, जैसे यहाँ लुगुबुरु कमिटी है, मजी परगना महल का संगठन है और ऐसे संगठन जेएमएम को बचाने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। और यही लोग अभी लुगुबुरु बचाने के नाम पर, सुना है 5 नवंबर को एक बड़ा आक्रोश रैली या कुछ करने वाले हैं, ये लोग सब जेएमएम के लोग हैं। तो हमारा ये कहना है, जनता को सावधान करना है, एक तरफ जेएमएम की सरकार है, अब बिना जेएमएम की राज्य सरकार की सहमति के यहाँ ना हेडल प्रोजेक्ट बन सकता है, ना टूरिज्म का कोई योजना यहाँ लागू हो सकता है, ना मंदिरों का निर्माण करके हिंदूकरण हो सकता है। ठीक उसी प्रकार मारंग गुरु जो गिरिडीह जिला में है, वहाँ भी एक आदिवासी संगठन जो मारंग गुरु बचाने के नाम से चलता है वो जेएमएम के साथ है, वहाँ का लोकल विधायक के साथ, और एक संगठन जो है वो बीजेपी के साथ है। तो झारखंड में और भारत में बहुत सारे पार्टी जो है उसके साथ जितना आदिवासी नेता जुड़ा हुआ है वो आदिवासियों की बात नहीं करता है। तो इसलिए हम आज अभी कुछ समय के बाद लुगुबुरु ललपनिया भी जाने वाले हैं, वहाँ की वस्तु स्थिति को खुद जाकर देखेंगे। लेकिन हमारा संदेश आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही है, 8 नवंबर भारत के आदिवासी अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए रांची चलो और 8 दिसंबर सरना धर्म कोड लेने के लिए भारत बंद करना होगा, करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।